मुझे एक बात याद आ गई, आपको बता दूं। जब श्री महावतार बाबा ने, जिनका चरित्र आप लोग सुन चुके हैं, जिनकी उम्र है 2030 साल इस समय, साउथ में जन्म हुआ था, हिमालय में, ज्ञानगंज में, और कहाँ कहाँ रहते हैं वो तो वही जाने। तो महावतार बाबा ने एक रूप बदल करके श्री रामानंद सागर जी को कहा था कि रामायण बना, रामायण का सीरियल बना, संसार का कल्याण होगा। और बाद में उस संत जब अंतर्धान हो गए, तब उनको स्वप्न में उन्होंने बताया कि मैं महावतार था, महावतार बाबा था मैं। अब वो सब ठाकुर जी की कृपा से हो रहा था। सबसे बड़ी समस्या कब आई? आप लोगों ने उत्तर रामायण में देखा होगा, जब बाल राम के साथ काक भुसुंडी का खेल होता है, याद आया होगा सर। कई लोग सोचते होंगे कि कोई पुतला बनाया गया है, नहीं, पुतला नहीं है। बहुत चिंता थी सबको, रामानंद सागर को, उनके भाइयों को, उनके बेटे को, सबको चिंता थी कि कौवा हम कहाँ से लाएं जो सामने बैठे, खेले कूदे और छीने खाए और भागे और रोए रुलाए, नहीं सब नाटक करे, कौवा कहाँ से लाए? और कौवा तो पाला भी नहीं जा सकता, पाल भी नहीं तो छोड़ते ही उड़ जाएगा वो तो। महाराज आपको बहुत आश्चर्य होगा कैसी ठाकुर जी ने व्यवस्था की है। जिस समय उमर गांव नाम की जगह है गुजरात में, है उमर गांव नाम की जगह जहाँ पर शूटिंग होती थी, तो उमर गांव देहात जैसी जगह, तो वहाँ जिस समय ये लोग चिंता मग्न थे कि कौवा कहाँ से लाएं काकभुसुंडी के प्रसंग के लिए, उसी समय पेड़ की निचली डाल पर एक कौवा काँव 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 करने लगा, बिल्कुल उसी समय। और सब चकित होकर देख रहे हैं, और रामानंद सागर ने कहा आप लोग बैठो, किसी को साथ नहीं लिया, बोले आप लोग बैठो। कैमरा वाला सावधान था, वो उधर कैमरा घुमा लिया, और रामानंद सागर अकेले गए उस पेड़ के डाल के नीचे और हाथ जोड़ के बोले, काकभुसुंडी जी महाराज आप कृपा करके आ गए। बोले काकभुसुंडी जी महाराज आप कृपा करके आ गए, रामायण सीरियल को आप ठीक ठीक बनवा दोगे, मुझे विश्वास है। अब आपसे इतनी विनती है कि जो मेरा छोटा सा बच्चा जो बाल राम बनाया गया उसके पास आ जाओ। महाराज कौवा उड़ करके उस बच्चे के सामने बैठ गया आकर के। रामानंद सागर ने जो प्रार्थना किया, आप इस बच्चे के सामने आकर बैठ जाओ जो राम बनाया गया, और जो आकर के बैठ गया, बस उनके आंखों में प्रेम के आंसू आ गए रामानंद सागर के। बोले अब कैमरे वाले को इशारा किया, तुम चालू रखना, खाने को कुछ दिया था, वो कौवा झपटता है, वो ऐसे हाथ करता है बच्चा, जो राम जी बनाए गए ना बाल राम, वो कौवे के सिर पर ऐसे हाथ मारते हैं, कौवा फड़फड़ाता है फिर भी उड़ता नहीं है। आपने उत्तर रामायण में देखा होगा, कौवा उड़ के भागता नहीं, फड़फड़ाता है, फड़फड़ाता है पंख, और फिर ऐसे सिर करता, फिर ऐसे सिर करता, वो हाथ से बार बार उसके सिर पर मारते रहते हैं बालराम, वो भागता नहीं है। महज 10 मिनट तक कैमरा में उसको रिकॉर्ड किया गया, और उसके बाद फिर प्रसादी जब दे दिया, वो सर से उड़ करके गया कौवा। 10 मिनट तक रिकॉर्डिंग हुई थी वीडियो की, और फिर वो कौवा दिखलाई नहीं पड़ा कभी। रामायण सीरियल बनने में आगे तो बहुत टाइम लगा, लेकिन फिर वो कौवा कभी नहीं आया, न दिखलाई पड़ा। और इस तरह से भगवान श्री राम ने चमत्कार करके रामायण सीरियल के उत्तर रामायण वाले भाग को पूरा पूरा काकभुसुंडी प्रसंग को तैयार कर दिया। ये सारा इंतजाम ठाकुर जी का रहता है, इसीलिए गीता जी के 3रे अध्याय में भगवान ने कहा है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार के कारण व्यक्ति कहता है मैं करता हूँ, मैं कुछ मैंने किया है, नहीं मैं होता तो कौन करता।
ये अहंकार केवल मनुष्य के पास रहता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ठाकुर जी ही सारा इंतजाम करते रहते हैं।